हाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हमने जो डांस रिकॉर्ड किया था, कब, कल नहीं परसों किया था जो डांस रिकॉर्ड, तो वो अभी हम अपलोड करने वाले हैं। बट उसमें थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई है स्टेप्स को लेके, और पहले हम ध्यान भी नहीं दिए थे उसके ऊपर, लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। तो अभी देखते हैं कि उस मिस्टेक को कैसे क्लियर किया जाए, ठीक किया जाए, क्योंकि हमने जो ड्रेस पहना था डांस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, वो बार बार पहनूं वो बिल्कुल मन नहीं करता है हम लोग को। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या करना है, उसी डांस को पोस्ट करना है कि फिर से रिकॉर्ड करना है। तो अभी दी बैठी है और वो एडिट कर रही है। अगर एडिटिंग अच्छे से हो जाती है कि वो स्टेप ठीक लगता है तो पोस्ट करेंगे, और नहीं तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डबल मेहनत। ये देखिए चमगादड़ है यार, ये चमगादड़ हमेशा आके यहीं पे बैठा रहता है। मैं इतना डरी तेज। भैया जल्दी आओ, चमगादड़ भगाना है। बताओ, अच्छा वो मेरे ऊपर नहीं गिरा। ये इसको यहाँ क्यों जगह मिलता है यार, जब देखो तब यहीं रहता है। और ये भगेगा भी नहीं इतने आसानी से। मैं भी किस गलत इंसान को बुला रही थी, भैया को। जानते हुए कि भैया कितना बहादुर है। वैसे हमारे घर में ये आम बात हो गया है आजकल, अभी तो फिर भी कम है। गर्मी के टाइम में हर दूसरे दिन चमगादड़ आके हमारे घर की सैर करके जाते थे। अब ये पता नहीं कितने देर तक यहाँ पे रहेगा। अब इसके रहते ना मैं बाहर जा सकती हूँ और ना मैं ये गेट बंद कर सकती हूँ। मैं कोशिश, अरे यार एकदम बीच में ही गिरा है ये। निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुली निकल गए हम यहाँ से। ओह माय गॉड, ये चमगादड़ हट नहीं रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो फाइनली गाइस ये उड़ गया हम चमगादड़, और ये दूसरे के घर में घुस गया अब जाके, इस वाले घर में। तो गाइस अभी आ चुका है नाश्ता, और आज नाश्ते में दी ने भेल बनाया है, और ये जो भेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सबका फेवरेट भेल है। तुम्हें नहीं पसंद? सबको पसंद है घर में। ओ चम्मच, और ये गीला भेल है, सूखा भेल नहीं है, क्योंकि इसमें मीठी चटनी डालते हैं तो ये ऐसे गीला हो जाता है। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, और यहाँ पे दी डांस अपलोड कर रही है बिना कोई एडिट किए। हम जो जैसा डांस था वैसे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी दी का फर्स्ट टाइम था जब वो मेरे साथ डांस कर रही थी, और वो मुश्किल से एक दो बार और डांस की होगी इधर उधर। नहीं तो उसे डांस करना आता है, पर उसे लगता है कि वो अच्छा डांस नहीं करती है, इसलिए वो थोड़ा शर्माती है। लेकिन आज फाइनली हम वो अपलोड करने जा रहे हैं। तो गाइस कई दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में किसी ना किसी का तबीयत ख़राब ही हो रहा है। पहले मेरा हुआ, फिर दी का हुआ, फिर मम्मी को भी थोड़ा अजीब लगा, और पापा जी का तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। और भैया का भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो इतने दिन से हम सोच रहे थे कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है।
और निकी के भी सिर में कई दिनों से मतलब कंटिन्यू दर्द हो रहा था। तो अब मुझे जाके पता चला, जब मैं अभी कमरे में थी, कुछ मैं ढूंढ रही थी, तो अब मुझे जाके पता चला कि इसका रीज़न क्या है। ये है किसी के घर के गृह प्रवेश का एनवलप, और इसमें क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, ब्रजभूषण तिवारी सह परिवार, इसमें ये लिखा हुआ है। और इसके अंदर रखी हुई हैं दवाइयाँ, इसके अंदर रखी हुई हैं ये दवाइयाँ इस एनवलप के अंदर, ब्रजभूषण तिवारी सह परिवार ब्रजभूषण तिवारी सह परिवार के अंदर ये रखी हुई हैं दवाइयाँ। तो यही है मेन रीज़न, क्योंकि सब परिवार लिखा है तो किसी एक की तबीयत तो खराब होने से रही, सबकी होगी। और ये जो काम है, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपलब्धि जो है, इतना बड़ा काम है, ये सपना तिवारी का वो पूर्ण किया गया था इनके द्वारा, ये सपना तिवारी के द्वारा। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा दिमाग इन्होंने लगाया, इनको कोई डिब्बा, कोई एनवलप, कोई पॉलीथीन नहीं मिला, इन्होंने सीधे गृह प्रवेश के कार्ड में, और उसमें भी बकायदा गणेश भगवान का भी फोटो है, तो गणेश भगवान की भी कृपा बनी थी उसमें, और ये सब हुआ। हम ऐसा छोटा मोटा टोटका मानते रहते हैं कि किसका रीज़न क्या, हम ऐसा छोटा मोटा टोटका मानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा छोटा मोटा टोटका इग्नोर कर दिया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा, उसको पकड़ के उसका इलाज निकालिए। तो दी बेचारी सुबह से लगी हुई है थंबनेल बनाने के लिए, बट अभी तक उसका थंबनेल वैसा नहीं बना है जैसा वो सोच रही है और जैसा वो बनाना चाह रही है। आओ, चोट लग गई, मेरे साथ ही अक्सर होता है, मुझे ही पता नहीं क्यों इतनी चोटें लगती हैं। तो अभी मैं कर रही थी अपना शॉर्ट वीडियो का डांस रिकॉर्डिंग, लेकिन भैया और दी मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं करने दिए, बार बार मेरे वीडियो के बीच में आ जा रहे हैं, तो मैं एक दो वीडियो बस रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन देखती हूँ जब तक खाना निकलता है तब तक एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आज शायद मैच भी है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, यस, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और ये खाना निकल चुका है, पर ये खाना है भैया के लिए, हमारे लिए अभी खाना नहीं निकला क्योंकि अभी टाइम है। तो आज मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और अभी कोई आउट भी हो गया है। कौन आउट हुआ? तो गाइज अभी तो काफ़ी शाम हो चुकी है, और अभी मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी, छत पे नहीं कर रही थी, नीचे बालकनी में कर रही थी। लेकिन आज का भी सनसेट बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। वो देख रॉकेट कहाँ, अच्छा वो रॉकेट जा रही है, नहीं दिख रही होगी कैमरे में, बहुत दूर है और बहुत लाइट है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। तो मैं अभी डांस प्रैक्टिस कर रही थी नीचे, मैंने सोचा कि इस शाम को, होने वाली शाम को, हो रही शाम को कैप्चर करें अपने कैमरे में। चश्मा लग गया है, और डॉक्टर ने इनसे भी यही झूठ बोला है कि रेगुलर चश्मा लगाएंगी तो इनका चश्मा निकल जाएगा, पर ये सरासर झूठ है। मैं 6 साल से चश्मा लगा रही हूँ, जब से मैं चश्मा मैं फर्स्ट टाइम लगा था तब डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी थी कि डेली लगाओगी तो निकल जाएगा, और अभी 6 साल हो गया, और जब जाती हूँ मैं तब पड़ता है। तभी तो ये चाय बना रही है। तो हम चलते हैं बाहर, आ गए हैं बाहर, क्योंकि पूजा का दोनों दिया यहीं पे रखा हुआ है, मम्मी सुबह पूजा करती हैं तो। और ये रही हमारी तुलसी जी, तो ये अभी बीच में बहुत सूख गई थी, बट अभी थोड़े हरे हरे पत्ते आ गए हैं इनमें, लेकिन उसे भी कीड़े खा जाते हैं। और ये रही बुजुन फैमिली, अंदर नहीं आने का, चलो जाओ बाहर, जाओ बाहर जाओ, नहीं आना। अभी मम्मी हमारा डांस देखेंगे तो उनका मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे रिकॉर्डिंग जब हम लोग किए थे उस टाइम भी आप हमारा डांस नहीं देखी थी, क्योंकि मम्मी को काम था, तो मम्मी काम कर रही थी। तो अभी बैठ के अपना डांस देखते हैं आज वाला।
तो गाइस अभी हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट और हम आ चुके हैं ऊपर। अभी मम्मी लोग नीचे हैं और मुझे काम करना था तो मैं जल्दी आ गई और भगवान भी सो चुके हैं, भगवान को भी सुला दी हूँ मैं। और अभी एक गुड न्यूज़ है, सबको तो पता ही होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अपने सारे मैच जीत चुकी है, मतलब इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज़ को। और जो लास्ट मैच था, मतलब जो आज खेला गया मैच, उसमें 96 रन से इंडिया जीत गई। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई जस्ट होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आज वाला अपलोडेड डांस वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।